हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज आशीष कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन आवर लाइव और आई मस्ट से ऑनलाइन क्लासेस स्पेशली फॉर एयरफोर्स एंड नेवी। वी हैव बीन गोइंग थ्रू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख रहे थे विच इज ऑल्सो कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड एंड वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड टू क्लासेस ऑफ दैट। हम लोगों ने इसके दो क्लासेस कर लिए हैं एंड वी आर हियर फॉर द थर्ड क्लास। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थोड़ा सा बड़ा चैप्टर एंड इट टेक्स एटलीस्ट फोर क्लासेस टू सम अप। कम से कम चार क्लास लगेगा इसको ख़त्म करने में मिनिमम। ऐसे अगर आप इसकी CGL वगैरह के लेवल में चले जाएँ तो फिर बड़ा लंबा चला जाता है। एटलीस्ट इट टेक्स 12 क्लासेस, कम से कम 12 क्लासेस लगते हैं। लेकिन इन एग्जामिनेशन के लिए जो एयरफोर्स नेवी के एग्जामिनेशन हैं उनके लिए चार क्लासेस का स्टफ जो है वो क्लियर होता है। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं क्योंकि रूल्स बहुत सारे हैं, उनको देखना है। तो नेक्स्ट रूल पर आते हैं। एक रूल ये है कि यदि वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो इक्विवेलेंट टू नाउन होगा या नाउन इक्विवेलेंट होगा। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि वो नाउन के समान होगा बट नाउन नहीं होगा, तो उसके साथ हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब देना होता है। अब नाउन का इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ? या तो वो जिरंड हो, या तो वो पार्टिसिपल हो, या फिर वो कोई क्लॉज हो, या कोई फ्रेज हो, या इन्फिनिटिव हो। इन सबों का नाउन इक्विवेलेंट का मतलब मोटा मोटी समझे कि वो इन्फिनिटिव हो सकता है, जेरंड हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है, कोई क्लॉज हो सकता है ना। ये सब आप समझे कि ये नाउन इक्विवेलेंट हुआ। तो जब ये सब सब्जेक्ट बनते हैं तो इनके साथ जो हमारा वर्ब आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, मतलब हुआ टहलना एक अच्छा व्यायाम है। यहाँ पे टू वॉक पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट बना और ये नाउन इक्विवेलेंट है क्योंकि एक इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव है लेकिन काम सब्जेक्ट का कर रहा है। जब सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो मतलब वो नाउन या प्रोनाउन हुआ, इसीलिए इसको नाउन मानते हुए यहाँ पे वर्ब हम लोगों ने सिंगुलर दिया। आप जेरंड भी ले सकते हैं, जैसे वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, मतलब फिर वही हुआ कि टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो यहाँ हम लोगों ने वॉकिंग लिया, ये वॉकिंग हमारा सब्जेक्ट बना है और ये नाउन का काम करने लगा। वर्ब में आईएनजी लगा के जब उसे नाउन बनाते तो उसे जेरंड कहते हैं और ये जेरंड बना, इसीलिए इसके बाद फिर हम लोगों ने सिंगुलर वर्ब ले लिया है। तो ऐसे ही कुछ भी रहे, कोई फ्रेज हो जाए, कोई इन्फिनिटिव आ जाए, कोई क्लॉज आ जाए, तो ये सब जब भी आएंगे तो इनके साथ का जो भी हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। नेक्स्ट रूल पर आते हैं, नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। जब हम एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह करें, ध्यान से सुने, जब हम एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह करें और उसमें आर्टिकल लगा दें द, और आर्टिकल लगाने के बाद उससे पूरी जाति का बोध होने लग जाए तो उसे भी हम सब्जेक्ट मानेंगे, नाउन मानेंगे और उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। मोटा मोटी अपनी भाषा में समझें कि एडजेक्टिव वाला नाउन, और वो कौन सा नाउन बनेगा? हमेशा वो कॉमन नाउन बनेगा। मोटा मोटी से समझेंगे कॉमन नाउन, तो उसके साथ हमारा जब भी वर्ब आएगा वो प्लूरल ही रहेगा। एग्जाम्पल से समझें, द रिच, रिच एक एडजेक्टिव है, ये नाउन के साथ अमूमन लगता है, जैसे रिच मैन, रिच बॉय, रिच गर्ल, रिच पर्सन, कुछ भी। लेकिन जब उसके आगे द लगा दिया जाता है तो द रिच का मतलब हो जाता है अमीर लोग। पुअर के पहले द लगा देते हैं, द पुअर, तो मतलब हो जाता है गरीब लोग। द ब्लाइंड माने अंधे लोग, कुछ भी। द ऑनेस्ट मतलब हो गया ईमानदार लोग। तो अभी हमने इसको क्या बनाया है? सब्जेक्ट बना लिया है द रिच कह करके, तो ये नाउन का काम करने लग गया। अब इसके साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा, जैसे द रिच आर हैप्पी, मतलब हुआ अमीर लोग खुश होते हैं। The honest are poor, ईमानदार लोग गरीब होते हैं। तो यहाँ पर मैं आप देख रहे हैं कि ये the rich, the honest दोनों सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसीलिए इसके बाद जो वर्ब आया है वो प्लूरल आया है। कुछ भी, the blind do not receive light, मतलब अंधे लोगों को लाइट नहीं मिलता। तो इस तरह से जो भी एडजेक्टिव वाला नाउन होगा और उसके पहले आर्टिकल द लगेगा तो उससे पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम कॉमन नाउन समझेंगे और कॉमन नाउन प्लूरल होता है, इसीलिए उसके साथ हम लोग
प्लूरल ले आएंगे। हालांकि कॉमन नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन यहां पर मैं हम प्लूरल समझेंगे द लगा हुआ एडजेक्टिव, और इसीलिए उसके बाद हमारा वर्ब प्लूरल ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। बात कर रहे हैं मेनी की, तो मेनी अपने आप में प्लूरल होता है, लेकिन जब इसके साथ ए लग जाए, आर्टिकल ए आ जाए, मेनी ए या मेनी एन, क्योंकि इसके बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग होगा, तो मेनी ए या मेनी एन हो तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, और ऑब्वियस है कि जब सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही होगा। सीधा सीधा मोटा मोटी बात हमेशा हम लोग यही करते आ रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब रहेगा, यही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल समझे, मैंने कहा मेनी ए मैन, अब इसके साथ वॉज लगाएं या वर्ब लगाएं, सिंगुलर वर्ब लेना इसलिए वॉज लगाएंगे, वॉज किल्ड, मतलब हुआ कई सारे लोग मारे गए। अगर हम ये ए नहीं लगाते, आर्टिकल ए नहीं रहता, ध्यान से समझे, तो अगर ये रहता तो यहां पर मैं फिर प्लूरल नाउन लेना होता, मेनी मैन ऐसा करना होता, और फिर वहां पे प्लूरल वर्ब भी लेते, वर्ब किल्ड। लेकिन यहाँ मेनी ए लिखा है इसीलिए मेनी ए या मेनी एन रहेगा, तो इसके साथ हमें हमेशा सिंगुलर नाउन भी लेना है और सिंगुलर वर्ब लेना है। ऐसा ही स्ट्रक्चर हमारा मोर के साथ भी चलेगा। मान लीजिए स्ट्रक्चर हो मोर देन वन, मोर देन वन, तो इसके बाद भी हमारा सिंगुलर नाउन होगा और सिंगुलर वर्ब होगा। मोर देन वन होगा तो उसके साथ भी सिंगुलर नाउन होगा और सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे मोर देन वन बॉय वॉज एबसेंट, ना कि वर एबसेंट, मोर देन वन बॉय वॉज एबसेंट, मोर देन वन बॉय वॉज एबसेंट। तो रूल ये निकला कि मेनी ए हो, मेनी अकेले होगा तो उसके साथ प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल वर्ब होगा, लेकिन मेनी के साथ आर्टिकल ए या एन आ जाए तो उसके बाद नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। उसी तरह मोर देन वन हो अगर, तो उसके साथ भी नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन मोर वाले में यह भी एक पंगा है कि अगर मोर के साथ प्लूरल नाउन आए और तब जाके देन वन लिखा रहे, मोर के साथ प्लूरल नाउन और तब देन वन लिखा रहे, तो अब जो है वर्ब हमारा प्लूरल ही होगा। केवल मोर देन वन रहता तो हम लोग सिंगुलर नाउन दे करके सिंगुलर वर्ब लेते, लेकिन यहां देख रहे हैं कि मोर देन वन के बीच में प्लूरल नाउन अगर आएगा तो फिर हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे एग्जाम्पल देखें, मोर बुक्स देन वन, इसे ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि मोर देन वन बुक, लिखा हुआ है मोर बुक्स देन वन। अब क्या कहेंगे, हैज बीन बॉट या हैव बीन बॉट, तो अब प्लूरल वर्ब लेना है इसलिए बना देंगे हैव बीन बॉट, मोर बुक्स देन वन हैव बीन बॉट। तो मोर का ध्यान से नियम समझेंगे कि डायरेक्ट मोर देन वन आएगा जैसा पिछला रूल गया, तो उसके साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, लेकिन मोर देन वन के बीच में अगर प्लूरल नाउन आ जाए तो फिर प्लूरल वर्ब। यानी मोर देन वन वाले में सीधा सीधी देखना है नाउन कैसा है, अगर उसमें नाउन सिंगुलर रहता है तो वर्ब भी सिंगुलर देंगे, और अगर इसमें कहीं से भी नाउन प्लूरल आ जाता है तो इसमें वर्ब भी प्लूरल देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। अगर नाउन अपोजिशन में आए, अपोजिशन का मतलब होता है समानांतर, अगर सब्जेक्ट के अपोजिशन में नाउन आए, द रिलेशन ऑफ वन नाउन विद द अदर अगर हम कहें, तो ये मतलब हुआ अपोजिशन का, तो वर्ब जो होगा वो अपोजिशन के पहले वाले के अनुसार होगा। जब भी अपोजिशन में नाउन आएगा तो वर्ब किसके अनुसार होगा, वर्ब पहले वाले के अनुसार होगा, पहले वाले के अकॉर्डिंग होगा, जो भी हमारा सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट के अनुसार होगा। सीधी सी बात अगर हम करें तो एग्जाम्पल में इसको समझने की कोशिश करें, मान लीजिए मैंने कहा आई अशोक कुमार, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो नाउन है ये आई के अपोजिशन में आया, यानी आई के समानांतर आया है, तो आई कहने का मतलब है कि अशोक कुमार ही अपने बारे में बोल रहा है। लेकिन क्या मैंने बोला कि जो वर्ब लेना है वो इसके अनुसार लेना है, तो यहां पर मैं हम एम लगा देंगे, और इसके बाद मान लीजिए आपको जो सेंटेंस लिखना है, आई एम नॉट योर फ्रेंड, तो आई अशोक कुमार एम नॉट योर फ्रेंड, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। इस तरह नहीं बनाएंगे कि आई अशोक कुमार इज नॉट योर फ्रेंड, ऐसा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये टेक्निकली सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट ये है और रनिंग सेंटेंस ये है, ये बीच में क्लॉज की वजह से घुस गया है, इसीलिए इसको अपोजिशन मानेंगे, यानी इसके समानांतर ये आया है,
तो जब नाउन एपोजिशन में रहेगा तो वर्ब हमेशा उसके पहले वाले के अकॉर्डिंग लेंगे। कुछ भी सब्जेक्ट बना दें, ये आपका हमेशा ध्यान रखना है कि ये नाउन जो रहेगा अब इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं चलेगा, ये जिसके अपोजिशन में आया होगा, जिसके समानांतर आया होगा वर्ब उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। सीधी सी भाषा में ये समझे कि अपोजिशन के पहले वाले के अनुसार वर्ब रहेगा, सीधी सी बात। यही ध्यान रखना है कि नाउन अगर अपोजिशन में रहे, या यूं कहें कि नाउन कॉमा के बाद रहे, तो उसके पहले वाले के अनुसार हमें वर्ब ले लेना है। नेक्स्ट रूल है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को लेकर के। हालांकि मैंने अभी आपको प्रोनाउन नहीं पढ़ाया है, नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में प्रोनाउन चलेगी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है थोड़ा सा समझ लें। इसे हम लोग कहते हैं प्रत्येक वाचक सर्वनाम, वैसा प्रोनाउन जो नाउन को बांट बांट करके अलग अलग करके दिखलाने का कार्य करे, उसे ही हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। मेनली ये चार होते हैं, ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर। अमेरिकन टर्म में कहें ईदर और नीदर। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, आम भाषा में यही समझे। जब ये सब्जेक्ट बन के आएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट बार बार ही हम आपको बता रहे हैं कि नाउन या प्रोनाउन ही होता है, और उसमें आप जबरदस्ती एडजेक्टिव्स का भी नाउन बना डालते हैं या कोई फ्रेज को नाउन बना देते हैं तो अलग बात है, लेकिन टेक्निकली सब्जेक्ट का मतलब ही होता है नाउन और प्रोनाउन। तो जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट होता है तो इसके साथ हमेशा ही वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल में समझे, ईच ऑफ देम। अब यहां देम को देख करके हमें वर्ब नहीं देना, हमें ईच के अकॉर्डिंग वर्ब देना है। वॉज देयर मतलब उनमें से सभी वहां थे। हिंदी तो ये हुई कि उनमें से सभी वहां थे, लेकिन यहां वर्ब हम लोगों ने ईच के अकॉर्डिंग दिया और ईच को सिंगुलर माना, इसीलिए हमारा सिंगुलर वर्ब भी गया एग्जाम्पल में। कुछ भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे नीदर ऑफ द टू वॉज प्लेइंग, मतलब हुआ दोनों में से कोई भी नहीं खेल रहा था या दोनों में से कोई भी नहीं खेल रही थी। फिर देखिए यहां सब्जेक्ट इस बार नीदर बन के आया है, इसीलिए वापस वर्ब हम लोगों ने ले लिया वॉज, यानी सिंगुलर। तो कहने का मतलब है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। एक लाइन में ये समझना है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेता है। ईच वाले रूल में एक रूल ये भी है, यानी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर वाले रूल में एक ये भी रूल है कि अगर ये खुद प्लूरल नाउन के बाद आए या प्लूरल प्रोनाउन के बाद आए सीधा सीधा, तो इनके बाद जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। यानी अपनी भाषा में हम रूल डिराइव करें तो हो गया प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, ये जब रहेंगे और इनके बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जब इनके बाद आएगा तो उसके बाद अब वर्ब लगने लगेगा हमारा प्लूरल। याद रखना है, ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रूल है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन एक केस ऐसा है कि इसके साथ भी प्लूरल वर्ब लगने लगता है, और वो केस यही है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के पहले हमारा प्लूरल नाउन आ जाए या प्लूरल प्रोनाउन हो जाए। केवल एक ही ऐसा केस है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ जिसमें प्लूरल वर्ब लगता है। एग्जाम्पल देखें, वी ईच विश टू राइज, मान लीजिए कि हम सबको उठने की इच्छा है, हम सब उठने की कामना करते हैं, ऊपर जाने की कामना करते हैं। तो देख लीजिए यहां हम लोगों ने वी लिखा है, ये प्लूरल प्रोनाउन हो गया, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर वाला आ गया, लेकिन इस बार वर्ब देखिए हम लोगों ने प्लूरल ले लिया है, विशेज नहीं लिखा है। लेकिन अगर केवल ये रहता तो ऐसे होता, ईच विशेज टू राइज, यहां पर अगर केवल ईच से स्टार्ट होता तो हो जाता ईच विशेज टू राइज, लेकिन इसके पहले प्लूरल प्रोनाउन लग गया है, इसीलिए हो गया वी ईच विश टू राइज। ठीक है, कुछ भी, द व्हील्स ईच हैव 12 स्पोक्स, मान लीजिए हमने एक लिया द व्हील्स यानी चक्के, ईच अब इसके बाद हैव 12 स्पोक्स, मतलब हुआ कि प्रत्येक चक्के में 12 स्पोक्स हैं। तो ये देखिए फिर हमारा प्लूरल आ गया सब्जेक्ट, प्लूरल नाउन, फिर ईच, और इसी वजह से फिर हमारा आ गया प्लूरल वर्ब। तो ये ध्यान रखना है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन अगर इसके पहले प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आ जाए तब वर्ब हमेशा प्लूरल ही रहेगा। उसी तरह एक नेक्स्ट रूल ये भी है कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई इनडेफिनिट प्रोनाउन हो, इनडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब एवरीवन, एनीवन, समवन, नो वन,
एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये सब जो होता है वो इंडेफिनिट है, क्योंकि ये किसके लिए आया है कंफर्म नहीं हो पाता। तो जब ये सब्जेक्ट होंगे तो इनके साथ भी हमेशा वर्ब सिंगुलर ही लगता है। जैसे एग्जाम्पल में समझे, इंडेफिनिट प्रोनाउन पहले रूल्स लिख लिया जाए, इंडेफिनिट प्रोनाउन जब भी रहेंगे तो इनके साथ हमारा वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। जैसे एवरीवन नोज दिस, मतलब सभी इसे जानते हैं। देखिए यहां एवरीवन आ गया सब्जेक्ट के रूप में, ये रहा वर्ब जो कि सिंगुलर बन के आया है। कोई भी जब भी एवरीवन, नो वन, नोबडी, समबडी, जैसे समबडी लव्स यू, समवन लव्स यू, तो समबडी हो गया या समवन हो गया, फिर उसके बाद वर्ब हम लोगों ने ले लिया लव्स, समवन लव्स यू, समबडी लव्स यू। तो यहां फिर देख ले रहे हैं कि इसमें हमारा सब्जेक्ट में इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसीलिए फिर हमारा सिंगुलर वर्ब रहा। तो ये रूल है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, समवन, इस तरह कुछ भी अगर सब्जेक्ट में रहता है तो उसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर होगा। उन दोनों रूल को अगर हम लोग एक साथ मिलाए तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेता है, और उसी तरह एवरीवन, समवन, नो वन, नोबडी, समबडी, ये सब भी सिंगुलर हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, लेकिन अगर इसमें एक नया रूल जोड़े तो बोथ, मेनी, सम, ऑल, ये प्लूरल होते हैं और प्लूरल वर्ब्स लेते हैं। जब भी ये सब्जेक्ट बनकर आएंगे, बोथ सब्जेक्ट बनकर आएगा या फिर मेनी सब्जेक्ट बनकर आए, सम सब्जेक्ट बनकर आए, फ्यू एक इसमें है, ऑल की जगह हम फ्यू भी ले लें, ऑल को अभी थोड़ी देर के लिए हटा दें, तो ये प्लूरल होते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। एग्जाम्पल में देख लें, जैसे मेनी ऑफ देम, मेनी ऑफ देम, तो अब इसके साथ प्लूरल वर्ब लेना है, नो दिस, यानी इनमें से कई जानते हैं, उनमें से कई इसे जानते हैं। अब यहीं पर मैं मेनी के साथ ए लगा रहता तो अब उसके बाद मेनी ए मैन एक नाउन लेना पड़ जाता, सिंगुलर नाउन होता और वहां पर मैं वर्ब सिंगुलर हो जाता। लेकिन ये यहां ऊपर लिखा हुआ है कि ये सब प्लूरल हैं, इसीलिए इनके साथ भी प्लूरल वर्ब लगता है। जैसे सम हैव सेड सो, सम ये एग्जाम्पल हैव सेड सो, मतलब किसी ने ऐसा कहा है, फिर सम प्लूरल है, इसीलिए इसके साथ भी हम लोगों ने वर्ब ले लिया प्लूरल। यानी ये सब जब भी आएंगे ये प्लूरल बनकर आएंगे, और जब ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं तो वर्ब भी अपने साथ प्लूरल ही लेंगे। ठीक है, अभी मैंने पिछले रूल में ऑल को इरेज कर दिया था, उसका कारण ये था कि ऊपर लिखा हुआ है, देखिए नन, एनी या ऑल, ये तीन ऐसे इंडेफिनेट प्रोनाउन है जो मैंने पिछली बारी बताया, जो अभी इंडेफिनेट प्रोनाउन की चर्चा हुई उन सबको छोड़ दिया जाए और इनको लिया जाए, तो ये ऐसे इंडेफिनेट प्रोनाउन हैं जिनके लिए वर्ब का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल प्रोनाउन के साथ सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों रूप में हो सकता है। मतलब इनसे जो भी चीजें आगे जुड़ी रहेंगी उनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है और प्लूरल वर्ब भी आ सकता है। अब ये डिपेंड किस पर करेगा, तो ऑब्वियस है कि इनके बाद वाले के अनुसार डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, तो अब आपको पता होना चाहिए कि दिस का प्लूरल होता है दीज, तो नन ऑफ दीज, अब इसके आगे हम कुछ भी लगा दे, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया रूम्स, तो नन ऑफ दीज रूम्स वर कंफर्टेबल, मतलब हुआ कि इनमें से कोई भी रूम आरामदेह नहीं थे। तो देख लीजिए यहां पर मैं, हम लोगों ने क्या किया है कि प्लूरल नाउन ले लिया है, इसीलिए इनके साथ जो है हम लोग लगा रहे हैं प्लूरल वर्ब, ये रहा हमारा प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर इनके साथ सिंगुलर नाउन आ जाए तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। ठीक है, जैसे नन ऑफ दीज रूम्स वॉज कंफर्टेबल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस सेम निकलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब भी ले सकते हैं, प्लूरल वर्ब भी ले सकते हैं, और बाकी सारी चीजें सेम टू सेम रहेगी और सेंस में कोई दिक्कत नहीं होता है। इसको सेम टू सेम आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नन ऑफ दीज रूम्स वॉज कंफर्टेबल,
कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली ये दोनों सेंटेंस एक ही सेंस देंगे और इसीलिए इनके रूल में हमेशा याद रखना है कि इनसे दोनों सही हो जाता है। जब भी नन की बात होगी, एनी की बात होगी, ऑल की बात होगी, तो इनके साथ हमेशा हमें हम नाउन को हटा ही देते हैं। यहाँ प्लूरल नाउन सिंगुलर नाउन की बात छोड़ दी जाए, सीधे सीधे हम ये समझें कि हमें जो वर्ब लेना है वो प्लूरल भी ले लेना है और सिंगुलर भी ले लेना है। यानी जब भी ये सब्जेक्ट बनेंगे तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जैसे एनी ऑफ दीज रूम्स वॉज कंफर्टेबल, एनी ऑफ दीज रूम्स वर कंफर्टेबल, दोनों ही चीजें करेक्ट हो जाएंगी। तो इसमें वर्ब का एरर पकड़ना थोड़ा सा अनयूजुअल है क्योंकि इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी होता है और प्लूरल वर्ब भी होता है। तो मोटा मोटी आपको यही ध्यान देना होगा कि ये क्या लिखा है। यहां से छोड़ करके सीधे सबसे पहले वाले पर आएंगे और देखेंगे कि नन है, एनी है, ऑल है। अगर है तो आगे सिंगुलर वर्ब भी हो सकता है, प्लूरल वर्ब भी हो सकता है। लेकिन पिछले वाले जो रूल में हम लोगों ने बात किया था, सम था, बोथ था इत्यादि, तो उसके साथ हमेशा मैंने बोला कि प्लूरल वर्ब भी होगा, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी हो सकता है। लेकिन जब ये रहे और इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन आ जाए या अनकाउंटेबल प्रोनाउन हो जाए तो फिर हमें वर्ब सिंगुलर ही रखना है। क्योंकि शुरू से मैं आपको बता रहा हूं कि जो सिंगुलर सॉरी जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो अनकाउंटेबल है, उसे गिन ही नहीं सकते। तो जिसे गिन नहीं सकते उसे सिंगुलर मानते हैं, उसे एक मानते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, इसीलिए हम उसके साथ क्या करेंगे, वर्ब सिंगुलर देंगे क्योंकि उसे हम लोग सिंगुलर मानेंगे। एग्जाम्पल में देख लें, इसको रूल के रूप में बनाना चाहे तो आप बना दीजिए कि नन, एनी या ऑल के साथ जब अनकाउंटेबल नाउन आए तो वर्ब हमेशा हमें सिंगुलर ही देना है। जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करें, नन ऑफ दिस मनी, नन ऑफ दिस मनी। अब इसके साथ हम क्या लेंगे, इज लेंगे या आर लेंगे, तो इज ही लेना है, इज योर्स। नन ऑफ दिस मनी इज योर्स, मतलब इसमें से कोई भी पैसा तुम्हारा नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, मनी को काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग उसे रुपया में या किसी और चीज में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको काउंट करते हैं। लेकिन मनी का मतलब धन होता है, इस वजह से यहाँ पर मैं इसे हम अनकाउंटेबल मानेंगे। और अनकाउंटेबल का मतलब सिंगुलर होता है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, इसीलिए यहाँ हम लोगों ने सिंगुलर वर्ब लिया। तो नन, एनी या ऑल जब खुद सब्जेक्ट बनकर आएंगे और इनके साथ नाउन आएगा काउंटेबल, तो वो प्लूरल ही रहेगा नॉर्मली, और उसके साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब रह सकते हैं। लेकिन जब नन, एनी या ऑल आएंगे और इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, यही रूल है। केवल यहां पर थोड़ा सा रूल बदल रहा है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इस पर फिर आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि ये अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है कि काउंटेबल नाउन आ रहा है, नन, एनी या ऑल के साथ। अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब देना है, और अगर काउंटेबल नाउन आ रहा है तो प्लूरल वर्ब देना है। अब आते हैं इस रूल पर, जिसमें फॉर्मर, लेटर, फॉलोइंग, अंडरसाइंड, ये सब जो है नाउन के बदले आते हैं और प्रोनाउन का काम करते हैं। यानी फिर वही बात कि जब ये सब्जेक्ट बनते हैं तो इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है और प्लूरल वर्ब भी। इनके साथ भी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो रूल हम लोगों ने पढ़ा उसके साथ देखा कि मोर वगैरह के साथ, अभी जो थोड़ी देर पहले रूल पढ़ा कि उसमें आ रहा था सिंगुलर वर्ब भी और प्लूरल वर्ब भी, ऑल के साथ हम लोगों ने ऐसा देखा, वैसे इनके साथ है। इनके साथ भी हमारा सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है और प्लूरल वर्ब भी आ सकता है, इनको ध्यान देना है। अब इसमें कहना है कि यदि इनका प्रयोग केवल एक सिंगुलर नाउन के बदले में हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, लेकिन अधिक से एक से अधिक नाउन के बदले में होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग रेट्स की बात कर रहे हैं, किसी चीज के दर के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हम लोगों को जियो का रिचार्ज ही करना है तो किस किस प्लान का क्या क्या वाउचर रेट आया हुआ है, किसी ने आपको एक पूरा डेटा पकड़ाया, उसमें लिखा है 399 का रिचार्ज, 199 का रिचार्ज, 149 का रिचार्ज, ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो मैंने मान लीजिए कहा कि द फॉलोइंग, मतलब आपको एक शीट पकड़ाई और उसमें कहा कि ये जो निम्नलिखित है आर द न्यू रेट्स, आर द न्यू रेट्स। अब यहां पर मैं हम लोगों ने आर इसलिए किया कि यहां द फॉलोइंग कहने का मतलब ये था कि जो सब्जेक्ट ले रहे हैं हम उसको प्लूरल मान रहे हैं और बहुत सारे रेट्स के बारे में बात कर रहे थे, इसीलिए यहाँ इसको हम लोगों ने सब्जेक्ट को प्लूरल
प्लूरल समझा और इसीलिए इसके साथ वर्ब भी प्लूरल दे दिया। अब मान लीजिए कि किसी और चीज के बारे में द फॉलोइंग सही बोल रहे हैं कि द फॉलोइंग इज वेदर रिपोर्ट, मतलब ये जो है ये हमारा वेदर रिपोर्ट है, या फिर द फॉलोइंग सब्जेक्ट बनकर आ रहा है, लेकिन यहां हम लोगों ने वर्ब सिंगुलर लिया। इसको और अच्छे से समझने के लिए ये समझे कि जो लास्ट वाला नाउन आ रहा है ना उसी को सब्जेक्ट के रूप में देखा करिए। जैसे वहां देखिए काउंटेबल नाउन आया है, काउंटेबल नाउन का प्लूरल किया गया है रेट्स, रेट का प्लूरल हो गया रेट्स, तो उसको प्लूरल माने हैं तो यहाँ प्लूरल वर्ब दिए हैं। और यहाँ देखिए रिपोर्ट आया है तो रिपोर्ट सिंगुलर हुआ है, सिंगुलर रूप हुआ है, इसीलिए यहाँ वर्ब सिंगुलर दिया है। यानी फॉर्मल लेटर फॉलोइंग और अंडरसाइंड के साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है और प्लूरल वर्ब भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि ये आए किसके लिए हैं। अगर ये सिंगुलर नाउन के लिए आए हैं तो वर्ब भी सिंगुलर देंगे, और अगर ये प्लूरल नाउन के लिए आए हैं तो वर्ब भी प्लूरल ही देंगे। एक और चीज दिमाग में डालने वाली ये है कि इनका प्लूरल नहीं बनेगा, मतलब फॉर्मर का फॉर्मर्स नहीं बन सकता, लेटर का लेटर्स नहीं, फॉलोइंग का फॉलोइंग्स नहीं, अंडरसाइंड का अंडरसाइंड्स नहीं, मतलब इसमें एस लगा करके इनका प्लूरल बनाना संभव नहीं है। नो प्लूरल, इनका प्लूरल संभव नहीं है, इनका प्लूरल आप नहीं बना सकते इसमें एस या एस लगा करके। तो आज मैंने ज्यादा नहीं आपको चार पांच रूल्स ही पढ़ाए, और आई होप कि आपको रूल समझ में आ रहे होंगे। आप उसको लेकर के प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा देखिए, और अगर आप ये वीडियो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहली बारी देख रहे हैं तो इसके दो प्रीवियस सेशंस और बन गए, दो प्रीवियस वीडियोज और बन गए हैं, उसको पीछे जा करके आप देख लें। हम प्रयास करेंगे कि ये जो पिछली दो वीडियोज हैं उसका भी हम लोग इस वीडियो में लिंक डाल दें ताकि आप उसको भी जा करके देखें अगर आपको कोई परेशानी होती है तो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कम से कम दो क्लास और चलेगा, एक और क्लास मेरे ख्याल से रूल्स का ही चलना चाहिए, और उसके बाद उस रूल्स के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन वगैरह का सेट टाइप का आपको प्रोवाइड करें वीडियो में ही, अगर पॉसिबल हो तो, सो दैट आप उसमें से देख करके कुछ क्लियर करने की कोशिश करें, कुछ सॉल्व करने की कोशिश करें, और जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि आप उसे सॉल्व कर लें, और इन रूल्स को अगर आप याद रखेंगे, इसलिए ज़्यादा एक एक दिन में नहीं बता रहे कि अगर आप डेली हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं तो एक एक दो दो चार चार पाँच पाँच रूल्स करके ही समझे, ज़्यादा उसका बोझ भी नहीं होगा और आप आराम से चीजों को समझेंगे, और फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आएगी तो आप उसे सॉल्व भी कर पाएंगे। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, तो मेरी तरफ से आज का सेशन यही समाप्त होता है, और आई एम साइनिंग ऑफ टुडे एंड मीट यू विथ नेक्स्ट क्लास इन आर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे गाइज, एंजॉय योरसेल्फ।